एक्सरसाइज नंबर 4.5 ये है आपकी क्लास 10 और आपका चैप्टर का जो नाम है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर का क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट मैं बनाकर डाल चुका हूँ। सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन जो है वो है 3x² - 4√3x + 4 = 0। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स एंड हमें इसके बताने रियल रूट्स एग्जिस्ट होते हैं या नहीं। अब हम यहाँ से सबसे पहले बात करते हैं कि हमें करना है क्या है। सबसे पहले जो हमें गिवन दे रखा है वो है हमारे पास में गिवन इक्वेशन ये दे रखी है। हमें इसको कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कंपेयर विद QUADRATIC क्वाड्रेटिक इक्वेशन EQUATION क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो आपकी जनरल फॉर्म जो होती है हमें उससे जो हमें गिवन इक्वेशन जो दे रखी है गिवन कौन सी 3x² - 4√3x + 4 को हमें कंपेयर करना है AX² + BX + C = 0। नाउ वी कंपेयर गिवन इक्वेशन विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड वैल्यू ऑफ A = B = and C = नाउ ए की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में 3। अब जो बी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में -4√3। सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास में 4। फर्स्ट और ऑफ वी फाइंड डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकालते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और डी जो होती है हमारी B² - 4AC के इक्वल होती है। आपको जो दे रखी है बी बराबर वो दे रखा माइनस के 4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए बराबर दे रखा है 3 इंटू सी बराबर दे रखा है 4। जब हम -4 को स्क्वायर करेंगे इंटू √3 का भी स्क्वायर करेंगे -4 × 3 = 12 इंटू 4। जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमें पता हम पहले से जानते हैं कि 4 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 16। देखिए स्क्वायर में हमें साइन जो देखना होता है उसे देखने के लिए हम एक चीज का यूज करते हैं। जैसे कि अगर स्क्वायर है आपका, सोचिए अगर आपके स्क्वायर के साथ में नेगेटिव स्क्वायर है और इस नेगेटिव की भी दो कंडीशन है। अगर आपके नेगेटिव स्क्वायर की जो पावर है क्या है, पावर क्या पावर
स्क्वायर है नेगेटिव पावर। अगर बेटा स्क्वायर की नेगेटिव पावर जो है, चलो एक पावर, अगर पावर आपकी स्क्वायर ही आती है, क्या आती है स्क्वायर, अगर आपके नेगेटिव की अगर पावर स्क्वायर ही आती है तो उसका जो वैल्यू आएगी, अब इसमें दिख नहीं रहा, चलो इसको बाद में करेंगे, पहले ये वाली करनी है, ठीक है। फोर का जो स्क्वायर होगा बेटा वो होगा आपका 16, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ये आप सब लोग जानते हैं। थ्री का स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 14, 4 जा होता है 48, 16 इंटू 3 48 माइनस 40, इसकी जो वैल्यू आई है 0। अब ये 0 किसकी वैल्यू आई है, हमारी डिस्क्रिमिनेंट की। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो इस कंडीशन में हमारे पास में जो वैल्यू निकल के आती है डिस्क्रिमिनेंट की, वो हमारे नेचर ऑफ रूट्स, अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तो इस कंडीशन में नेचर ऑफ रूट्स जो होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स आपके रियल होगा कब, अगर आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तब नेचर ऑफ रूट्स रियल होगा। सेकंड, ये रेशनल होगा, एंड इक्वल होगा, एंड इक्वल होगा, ये है आपका आंसर। अगर आप इसमें और आगे करना चाहते हैं, अब बात आती है इस प्रकार, अब देखो ये चीज तो मैं समझ में आ गई कि नेचर ऑफ रूट्स होगा जो रियल होगा, रेशनल होगा एंड इक्वल होगा, लेकिन इक्वल कौन कौन सी वैल्यू है ये हमने यहाँ पर नहीं निकाली है, इसलिए अब हम लगाते हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला जो होता है उसको। वो फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर डी बाय टू ए, यहां से वैल्यू निकालते हैं। अगर हम यहां पर रखते हैं माइनस के बी, माइनस के बी हम सबको पता है कि बी की जो वैल्यू है वो माइनस के 4√3 है, तो यही वैल्यू हम यहां पर बी की जगह रखेंगे, तो माइनस माइनस 4√3 प्लस माइनस, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो हमारी 0 है, बाय 2 इंटू, अब यहां पर a की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3 है। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो, ये हो जाएगा प्लस, ऊपर बच के 4√3, 0 तो हो गया खत्म, यहां पर बचा है 2 इंटू 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया 2√3/3। हमको पता है कि हम 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, इसीलिए हम 2√3/√3 × √3, हमने 3 को किस में कन्वर्ट कर लिया, √3 × √3, 1√3 से 1√3 खत्म। अब यहां पर जो वैल्यू बची है
वो बची है 2/√3 जो किसके इक्वल है x के। तो x की वैल्यू जो आई है वो 2√3 है। इसका मतलब ये अल्फा भी यही रहेगा और अगर आप बीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो बीटा भी 2/3 ही रहेगा। इसलिए x की वैल्यू दो निकल के आती है हमारे पास में 2/√3, 2/√3। अगर आपको ये वीडियो ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।